केरल के कासरगोड से बड़ी खबर सामने आई है। यहां केरल टेंपल फेस्टिवल के दौरान आतिशबाजी स्टोरेज में बड़ा विस्फोट हो गया। इस कारण वहां भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये दर्दनाक हादसा सोमवार देर रात नीलेश्वरम के पास एक मंदिर में हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद घायलों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के अस्पतालों में ले जाया गया। चिंताजनक स्थिति को देखते हुए कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख सहित जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस को संदेह है कि वीरकावू मंदिर के पास एक स्टोर में पटाखे रखे थे, उसमें अचानक से आग लग गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख सहित जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बचाव कार्य जारी है। पुलिस ने बताया कि अंजू तांबलम वीरकावू मंदिर में वार्षिक कलियाट्टम उत्सव मनाया जा रहा था। कार्यक्रम के लिए आतिशबाजी मंगाई गई थी। इसे एक स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया था। इस बीच रात 12:30 बजे अचानक से स्टोरेज में बड़ा धमाका हुआ। वहां एक के बाद एक सभी पटाखे जलने लगे। आलम यह हुआ कि स्टोरेज में भीषण आग लग गई। उस वक्त वहां भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी। भीड़ में ही लोग इस आग का वीडियो बनाने लगे। आग इतनी भीषण थी कि पल भर में 150 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमाम बड़े अधिकारी मौके का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। घायलों को तुरंत उपचार के लिए कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर और जिला पुलिस प्रमुख सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। घटना के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि स्थानीय समुदाय पीड़ितों और उनके परिवारों के समर्थन के लिए एकजुट होकर सहायता प्रदान कर रहा है।